देखिए दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हैं कि बाल झड़ना दवा से नहीं रुकेगा। सचमुच में बाल झड़ने को रोकना इतना आसान भी नहीं है। अगर बाल झड़ना इतना आसानी से रुक जाए तो जितने भी लोगों के बाल झड़ते हैं, बहुत लोग गंजे हो जाते हैं, आज इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि बाल झड़ना न रुके। अगर सही से दवा चलाई जाए, सही से पेशेंट दवा खाए, तो निश्चित रूप से बाल झड़ना रुक जाता है। देखिए, पुरुषों में बाल अगर झड़ जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो चलिए कोई खास बात नहीं है, कोई उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचिए जरा, महिलाओं को, छोटी बच्चियों को, लड़कियों को अगर बाल झड़ना शुरू हो जाए, बाल गिरने लगे, सोचिए कितनी विकट समस्या होगी उस लड़की के लिए, उस औरत के लिए। बहुत ही कठिन समस्या होती है, वो बहुत परेशान हो जाती है, उसके व्यक्तित्व में बहुत ही अधूरापन महसूस होता है। आज हमारे साथ एक ऐसा पेशेंट है जिसको मैं अपनी दवा से कैसे संतुष्ट किया हूँ, आज हम चाहेंगे कि आप अपने मुंह से ही अपनी बात को बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम सृष्टि वर्मा है। सृष्टि वर्मा है। विलेज बाय कॉली, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से बिलोंग करती हूँ। और मेरा मुझे जो है हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा गुच्छों में बाल मेरे गिर रहे थे। तो मैंने सोचा कि काफी लोगों से पूछा, सब लोगों ने कहा कि बालों की समस्या जाती नहीं है। बट बहुत समय तक मैंने वेट किया, फिर काफी टाइम हो गया, तो मुझे लगा नहीं, दिखा लेना चाहिए, एक बार डॉक्टर से राय ले लेनी चाहिए। तब मेरे मामा थे एक, उन्होंने बोला कि एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर SB तिवारी सर, जैसा कि हमारे सामने है सर, तो वो बालों की दवा देते हैं जिससे बाल झड़ना कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं। हालांकि मैं गई उनके पास और उन्होंने मुझे दवा दी, और 2 महीने मैंने दवा किया, 3 महीने का कोर्स है। हालांकि मैं 2 मंथ बाद दवा लेने आई, मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन इस दवा से, और बहुत हद तक मेरे बाल गिरना कम हो गए हैं और गुच्छों में नहीं गिरते हैं। हालांकि डेली 15 से 20 बार तो ये तो गिरते ही हैं, तो नॉर्मल सा होता है, बट मुझे पहले से बहुत सुधार हुआ है। तो मैं डॉक्टर सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी। और अच्छा, एक चीज बताओ, क्या नाम बताया अपना? सर, मेरा नाम सृष्टि वर्मा। सृष्टि, सृष्टि एक चीज बताओ, जैसे जब आप मेरे यहाँ दवा कराने आई थी तो बाल तुम्हारे गुच्छे में गिरता था। हाँ सर। तुम बहुत परेशान थी, बहुत। बालों में डैंड्रफ भी, देखो बालों में तुम्हारे, उस समय मैं देखा था बहुत ज्यादा डैंड्रफ भी था। हाँ। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर है। हाँ। आप तुम कह रही हो कि डॉक्टर साहब आपने 3 महीना कहा था और तुम 2 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो। हाँ। अब आई हो, ये कह रही हो कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, बहुत ही। देखो, 1-2 बाल औरतों का गिरना ये कोई ऊंची नहीं है, तो गिरेगा, बट गुच्छे में जब गिरेगा, ज्यादा गिरेगा तो सोचिए। लेकिन फिलहाल इस समय जो स्थिति है, ये बहुत ही संतोषजनक है। आप सेटिस्फाई हो। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं मैसेज देना चाहूंगी कि ये नहीं होता है कि हमारे बाल बहुत सारे गिर रहे हैं तो इसकी कोई दवा नहीं है या हम नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं है। हाँ, रुक सकते हैं मेरे बाल, हमें एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में आप क्या कहना चाहोगी? सर, हालांकि मैंने इससे पहले होम्योपैथी तो कभी नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम किया और मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, तो इसको अच्छा ही कहना चाहूंगी। देखिए दोस्त, कहा जाता है कि सोचने के सोच में संकोच, निःसंकोच असंतोष लेकर के आता है। होम्योपैथी चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे ये कहा गया है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। अगर आपको सही दवा का, सही पोटेंसी का और सही समय का मतलब संयोग बन गया, तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। होम्योपैथी कहती है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी, आवर एक्शन में भी देयर। तो आप लोग, कोई भी समस्या, आज सृष्टि का बाल रुका है, हम दावा करते हैं कि किसी भी, आप सभी हमारे सुनने वाले सभी लोग समझ लीजिए कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जहां पे कोई भी चीज असंभव नहीं है। कहती है कि आप सही तरीके से दवा का सिलेक्शन करिए, सही से आप जो है दवा को खाइए, डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनिए। आप कोई भी समस्या, आज बाल है, आज आप लोग हमारे चैनल पर देखिए कैसे कैसे पेशेंट, यहाँ तक कि पित्त की थैली की पथरी, जो मेडिकल साइंस यही कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, 27 27 cm तक की पित्त की थैली की पथरी निकलना, ये होम्योपैथी का चमत्कार है।
तो सृष्टि आपका भविष्य अच्छा रहे, आपके बाल खूब घने काले और सुनहरे हो जाएं, हम यही चाहेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कुछ बालों की केयरिंग करिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, कौन सा शैम्पू यूज करना है, कैसे करना है, कौन सा ऑयल यूज करना है, ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। और कोई भी ऑयल यूज करिए, मेडिकेटेड ऑयल यूज करिए, शैम्पू यूज करिए, मेडिकेटेड करिए, और कम से कम करिए। मैं यही कहूँगा कि जितना भी कॉस्मेटिक चीजों का प्रयोग आप कम से कम करिए, और फाइबर वाली चीजें लीजिए, पानी खूब पीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। भविष्य में आपको कभी कोई समस्या होगी तो आप मुझे बताइएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। भगवान आपको ऐसे ही खूब सुंदर, खूब स्वस्थ और आपको जो है आकर्षक बनाए, और आप स्वस्थ रहिए, ईश्वर से हमेशा।